आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। शिक्षा के मंदिर में अच्छाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है, बच्चों को सही और गलत का फर्क भी सिखाया जाता है, लेकिन अगर इन्हीं स्कूलों में भ्रष्टाचारी लोग मौजूद हो तो बच्चों पर क्या ही असर होगा। ऐसा ही कुछ हाल है बहराइच के इंटर कॉलेज का, जहां विद्यालय के प्रिंसिपल पर कई घोटाले के आरोप लगे थे, जिसकी जाँच लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचारियों का रसूख, प्रधानाचार्य पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, सफाई कर्मी खुद को बताता है बड़ा बाबू, रसोई और शौचालय का हाल बेहाल, स्कूल में काम के नाम पर हो रही खानापूर्ति। बहराइच के शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री पोषण योजना में भ्रष्टाचार की जांच जारी है। आपको बता दें कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश चंद्र दुबे पर कई सारे ऐसे घोटालों के आरोप लगे थे, जिसकी काफी समय से जांच चल रही है। खास बात यह है कि प्राइम टीवी ने इस विद्यालय में एमडीएम घोटाले की खबर सबसे प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया और 13 अप्रैल को 3 सदस्यीय टीम ने विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की, जिसके बावजूद भी जांच टीम ने अभी तक अपनी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी है। अच्छा, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, हाँ, कि शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज की जांच हम लोगों के द्वारा, संयुक्त टीम के द्वारा 13 तारीख को की गई थी। 13 तारीख को प्रिंसिपल ने हम लोगों से 18 तारीख तक का समय लिया था अपना पक्ष विद सबूतों के साथ प्रस्तुत करने के लिए, जो कि कल बीत गया। आज मैंने अभी तुरंत बात किया है। किससे बात हुई? ये हमारी टीम के सदस्य थे, अनुराग मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी श्योपुर, वरिष्ठ भी हैं और योग्य भी हैं। ये तो पहले सदस्य थे आपके, इसमें नई टीम बनी, इसमें सदस्य नई टीम बनी, क्योंकि उन दोनों लोगों की पुरानी टीम के सदस्यों की ड्यूटी थी चुनाव में यारों के पद पर, इसलिए 12 तारीख को टीम बदली गई और टीम में खंड शिक्षा अधिकारी बलहा को और शिवपुर को शामिल किया गया। और कौन कौन था इसमें? और इसमें गए थे वित्तीय लेखा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा और GIC प्रेस पर राजेश सिंह जी, और 3 लोग हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोगों ने देखा, मैं भी गया था और हम लोगों ने देखा, चीज़ों को समझने की कोशिश किया और कुछ प्रश्न थे जो उनसे पूछे गए, जिसके संबंध में उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए 18 तारीख का समय मांगा। शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज बहराइच जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दूर है, काफी दूर और वन क्षेत्र में होने के चलते कोई भी इस विद्यालय की जांच पड़ताल के लिए नहीं आता है, जिसके कारण ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने यहां पर बच्चों की संख्या में हेर फेर कर एमडीएम का बड़ा घोटाला किया था। हालांकि काफी लंबे समय से इस मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बारे में कोई मुझे इतना विशेष जानकारी नहीं है, ये मालूम है कि जांच होनी है क्या नहीं, ये तो प्रिंसिपल साहब आपको बता पाएंगे। हमारे यहाँ पंजीकृत हैं 966 बच्चे, जो बच्चे आते हैं उनका खाना बनता है जी। इधर कुछ दिन से जो है बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे आएंगे उनका फिर बनना शुरू हो जाएगा। अब उसके लिए तो मुझे रजिस्टर ही देख के बता पाएंगे, वैसे बता पाना मुश्किल है। है तो सब प्रिंसिपल साहब के ही उसमें है, चाबी उन्हीं के पास है, वो जब आएगी तब मिल पाएगी, वो जब रहते हैं तो उनको चाबी दे देते हैं। यहाँ पे हम सफाई कर्मी हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, क्लर्क यहाँ कोई है नहीं, तो वो हम सर काम लेते हैं, हम कर देते हैं। कौन? प्रिंसिपल साहब योगेश चंद्र दुबे जी। योगेश चंद्र दुबे जी नहीं, हम सर जब से रिपीट नहीं है यहाँ 2016 से, तब से जो भी प्रिंसिपल रहा है हमसे काम लेता रहा है, हम करते रहे। प्राइम टीवी के संवाददाता ने जब मामले की इस जानकारी लेनी चाही तो विद्यालय के एमडीएम प्रभारी ने बताया कि एमडीएम का रजिस्टर प्रधानाचार्य के पास है और सारी जानकारी उन्हीं से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर गणित शिक्षक पद पर अपने जानने वाले को नियुक्त किया, जबकि आयोग ने पूजा नाम की शिक्षिका को गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। दरअसल शिक्षिका ने कुछ समय पहले उच्च अधिकारियों से प्रधानाचार्य के अमानवीय व्यवहार की शिकायत की थी। मामले में कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित शिक्षिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपका शुभ नाम क्या है? रणजीत कुमार। क्या दायित्व देखते हैं आप यहाँ पर? शिक्षा में सर वो
कैसे रखा गया है संविदा तो मानदेय पे? मानदेय रंजीत कुमार जी, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? मैथ पढ़ाता हूँ सर। मैथ पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा, वो टीचर नहीं था तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया जी। सर से रिक्वेस्ट किया? किस सर से? प्रिंसिपल सर से जी। उन्होंने कहा बेटी पढ़ा लीजिए। कब से पढ़ा रहे हैं? छः साल पहले। मानदेय मिल रहा आपको? कितना मानदेय पाते हैं? हमारा तो 9,000 का रहता मिल रहा आपको? तो प्रबंध समिति ने रखा आपको? कितने दिन कौन रखा आपको? प्रिंसिपल ने हमारी बात हुई थी। अच्छा, प्रिंसिपल आपने सीधे रखा आपको? प्रबंधक, प्रबंधक के अलावा इसको ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? सिजोली रहता हूँ। अनिल कुमार नाम है, क्या नाम है? रणजीत कुमार। रणजीत कुमार जी, आप गणित पढ़ाते हैं यहाँ पर? किस कक्षा को? 9, 10 को पढ़ाते हैं। इतना नीचे भी चले जाता हूँ पढ़ाने। ये विषय यहाँ पर है पढ़ाने के लिए? स्वीकृत है पहले से। विद्यालय के प्रबंधक और सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता से विद्यालय से संबंधित कई विषयों पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से विद्यालय में कोई मीटिंग नहीं की गई है और न ही अभी तक कोई जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, विद्यालय में प्रधानाचार्य अपने व्यक्ति को अभिभावक संघ का अध्यक्ष बताकर MDM का पैसा निकाल लेता था, जबकि अभी तक ना तो कोई अभिभावक संघ का चुनाव हुआ और ना ही कोई बैठक करवाई गई। एक एप्लीकेशन दी उन्होंने, देने के बाद कि मुझे वहाँ ट्रांसफर कराया तो फॉरवर्डिंग कर दिया गया था। तो अभी बाद में पता लगा ना मुझे, इसके बारे में अगर पता ही होता तो मीटिंग कुछ हुई नहीं थी, कोई बात नहीं हुई तो पता नहीं लगा। अब मैं भेज चुका था उसे, जाना भी किसी को फॉरवर्डिंग करने के लिए मांग रहे थे कि वहाँ हमें भेजना है तो भेज दिया गया। विद्यालय में रसोइयों की बात करें तो इस विद्यालय में 5 रसोइयों की तैनाती की गई है, जबकि कई सालों से वहाँ 3 रसोइयाँ ही काम कर रही हैं। वहीं विद्यालय के सफाईकर्मी की बात करें तो वह पिछले कई सालों से विद्यालय के बड़े बाबू का दायित्व संभालते हुए अपने आप को बड़ा बाबू कहने में संकोच नहीं करते, जबकि विद्यालय के शौचालय में काफी गंदगी की भरमार है, लेकिन सफाईकर्मी का काम कौन करता है ये कोई नहीं जानता। अब ये 5 जो बताया जा रहा है ये प्रिंसिपल साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक 3 ही रसोईया कार्यरत है। कौन 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 है? एक है माधुरी लता पाठक, दूसरी है समा और तीसरी है बिमला। क्या इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, इनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। विद्यालय में प्रधानमंत्री पोषण योजना के भ्रष्टाचार की जानकारी मिली थी, जिस पर मुख्यालय लखनऊ से डायरेक्टर MDM ने BSA बहराइच को पत्र जारी करते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा था, लेकिन 7 माह बाद भी रिपोर्ट तैयार न हो सकी। रिपोर्ट के बारे में पूछने पर डायरेक्टर MDM ने प्रधानाचार्य के जांच में सहयोग न करने का हवाला वाली रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंप दी, जिसके बाद DIOS महोदय ने 31 मार्च तक BSA से जांच कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में देने को कहा है, जो अभी भी प्रधानाचार्य की पहुँच के कारण लंबित है। इतना ही नहीं, अपनी ऑफिशियल बाइट न देने की शर्त पर BSA और DC ने Prime TV के संवाददाता से बताया कि प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य ने भ्रष्टाचार किया है, जो कि विद्यालय के दस्तावेजों से ज्ञात होता है, लेकिन जांच टीम की रिपोर्ट मिलने पर ही सही जानकारी मिल पाएगी। अब जांच रिपोर्ट में प्रधानाचार्य पर क्या आरोप सिद्ध होते हैं और क्या कार्रवाई होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आउटपुट डेस्क, Prime TV। तो विद्या के मंदिर की ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जिसमें आपने देखा कि 2 बड़े खेल एक साथ हो रहे हैं। जहां पहले तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का काला खेल भी लगातार स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा खेला जा रहा है। और जो प्रिंसिपल है वो इस हद तक शिक्षकों पर दबाव बनाता है कि शिक्षकों ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं जहां शिक्षक एक तरफ दबाव में रहकर काम करने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य होते हैं, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं विद्यालय की गंदगी देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।